हेलो ऑल द ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल महसबीन की छोटी सी दुनिया पे, और मैं हूँ आपकी दोस्त महसबीन। आज मैं आई हूँ दुबई के एक बहुत ही इंस्टाग्रामेबल प्लेस पे, जो कि है दुबई मिरेकल गार्डन। आपने नाम तो सुना ही होगा। तो ये जो गार्डन है वो एक्चुअली अक्टूबर में खुलता है हर साल, लेकिन इस बार शायद इसको पता चल गया कि मैं जाने वाली हूँ सितंबर में ही, तो उसने जल्दी खोल दिया और मेरे लिए एक मौका छोड़ दिया कि मैं इसको विजिट करके जाऊँ। तो आज मैं आई हूँ इसको विजिट करने, और मुझे तो ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। अभी मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया है, बाकी पूरा तो अभी बाकी है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है, और साथ में सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी कि आपको अगर यहाँ आना है तो आप कैसे आ सकते हो, इसका रूट क्या है, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, आप बस से आ सकते हो, लेकिन बस आप कहाँ से ले सकते हो और कौन सी बस ले सकते हो, और यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, इसका जो हाइप है वो एक्चुअली हाइप के लायक है या नहीं, और कितने रिकॉर्ड्स है इसके नाम पे। सो हम इन सब के बारे में बात करेंगे, तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें और बने रहें मेरे साथ। और अभी चलते हैं अंदर पूरा गार्डन एक्सप्लोर करने के लिए और सारी डिटेल्स जानने के लिए। सो लेट्स गो। मिरेकल गार्डन, इसका नाम जैसा है जगह भी कुछ वैसी ही है, जिसमें लगता है कि कोई मिरेकल छिपा है। 150 मिलियन से ज्यादा फूलों से सजा हुआ ये मिरेकल गार्डन दुबई में हर साल सर्दी के मौसम में खुलता है। बाय द वे, जब मैं गई थी तब बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। इस साल ये अपने टाइम से पहले यानी सितंबर 29 को ही खुल गया था। जनरली ये हमेशा अक्टूबर में ओपन होता है। सबसे पहला मिरेकल गार्डन 14 फरवरी 2013 में ओपन हुआ था। ये गार्डन जो है वो 72,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ एक पैराडाइज ही समझ लो, जो एक स्वीट सेंटर्ड और इंस्टाग्रामेबल डेस्टिनेशन है। और इस प्लेस के टिकट की बात करें तो आपको ये देखने के लिए पर एडल्ट खर्चने पड़ेंगे 95 दिरहम्स, और 3 से 12 की एज वाले बच्चों के लिए टिकट होगी 80 दिरहम्स। अगर आपके साथ अंडर 3 इयर्स की एज के बच्चे हैं तो उनकी एंट्री तो फ्री है, बट मेक श्योर कि आप बच्चों के आईडी वेरिफिकेशन के लिए साथ में रखें, इट्स रिक्वायर्ड। ये टिकट्स आप ऑनलाइन या तो डायरेक्टली काउंटर से ले सकते हो, चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ से आप जाकर टिकट बुक कर सकते हो। इस गार्डन की बात करें तो इसमें आपको मॉडर्न लैंडस्केप दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको हार्ट शेप का बहुत ही सुंदर सा पाथवे दिखाई देगा, जिसके आसपास और ऊपर नीचे फूल ही फूल दिखाई देंगे। इसके सिवा आपको डिज्नी की थीम पे बना हुआ फ्लोरल कासल भी दिखाई देगा। साथ ही आपको यहाँ पे दिखेगी अम्ब्रेला टनल, फ्लोरल क्लॉक, सनफ्लावर फील्ड एटसेट्रा। यह है क्यूट फ्लोरल विलास, जो यहाँ के अट्रैक्शंस में से एक है। रियल में अगर आप इनको देखोगे तो लगेगा जैसे कोई फेरी टेल में आप एंटर हो गए हो। इन घरों की दीवारों में लगे हुए फूल इतने सुंदर लगते हैं कि इनको वर्ड्स में तो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ये स्मॉल विलेज जिसको किड्स तो फॉर श्योर अडोर करेंगे। ये सब दुनिया के वो ब्लू क्रिएचर्स हैं जिन्हें दुनिया भर के लोगों का प्यार मिलता है। ये ब्लू कलर के क्रिएचर्स होते हैं जो मशरूम शेप के घरों में रहते हैं, तो यही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है वो है ये एमिरेट्स का A380 एयरबस, जिसके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ये गार्डन ने इस सेंटर पीस के लिए एमिरेट्स के साथ मिलकर काम किया है और इस प्लेन को तैयार किया है। ये प्लेन जो है वो 5 लाख से ज्यादा फ्रेश फ्लावर्स और लिविंग प्लांट से सजा हुआ है। इस मास्टरपीस के लिए इस गार्डन ने 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। इसके सिवा भी गार्डन के पास 2 और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, उसमें से एक है 2013 में लार्जेस्ट वर्टिकल गार्डन के लिए, और दूसरा एक है 2018 में दर्ज हुआ टॉलेस्ट टोपियरी स्ट्रक्चर, जो मिकी माउस के शेप में बना था।
खाने पीने की बात करें तो इस मिरेकल गार्डन में 30 से भी ज्यादा खाने पीने के स्टोर्स हैं, जिसमें आपको अपनी चॉइस के हिसाब से अलग अलग खाने की चीजें मिल सकती है। अब बात करते हैं यहाँ तक पहुँचने की, तो यहाँ पे आप मेट्रो और बस से आ सकते हो या टैक्सी से। टैक्सी से आपको इजी लगेगा लेकिन पैसे बहुत ही ज्यादा लगेंगे, तो रिकमेंडेशन तो यही है कि आप मेट्रो से आए और फिर बस ले। मेट्रो में आपको रेड लाइन का स्टेशन मॉल ऑफ द एमिरेट्स उतरना है और फिर आप वहां से बस स्टॉप से बस ले सकते हो। बस जो है वो आपको सेकंड नंबर के स्टेशन से मिलेगी और बस नंबर है F36। ये बस लेके आप उतर सकते हो अर्जन दमाग नॉर्थ साइड बिल्डिंग 2 स्टेशन पे, जहाँ से मिरेकल गार्डन वॉकिंग डिस्टेंस पे है। रिटर्न होने के टाइम भी आप यहीं से मॉल ऑफ द एमिरेट्स स्टेशन के लिए बस ले सकते हो। गार्डन के टूर में आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय।